पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है और ऐसे में इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है और इनसे एनवायरनमेंट डैमेज भी बहुत होता है। और इसी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किया जा रहा है और कई सारी ई बाइक्स और स्कूटी लॉन्च हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये सवाल आता है कि पेट्रोल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल में से कौन सी सही है और कौन एनवायरनमेंट डैमेज कम कर रहा है। गवर्नमेंट बसेस जिस पर लिखा होता है 100% पोल्यूशन फ्री, पर ऐसा नहीं होता। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है वो भी पोल्यूशन करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि लिथियम आयरन बैटरी से चलती है, उसकी प्रोडक्शन में बहुत पोल्यूशन होता है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन दोनों होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हम लेंगे वो हम चार्ज करेंगे, तो चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगी और इलेक्ट्रिसिटी कोयले से, फ्यूल से या न्यूक्लियर से प्रोड्यूस होती है, जिससे पोल्यूशन होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 93% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से, फ्यूल से और न्यूक्लियर से प्रोड्यूस होती है। सिर्फ 7% इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड रिन्यूएबल जैसे विंड, सोलर से जनरेट होती है। बट साइंटिस्ट एक बैटरी में काम कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेफीन बैटरी। उस बैटरी से कोई व्हीकल बनती है तो वो बहुत सही रहेगा, क्योंकि वो कम चार्ज के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। अगर इनका रेशियो देखा जाए तो ग्रेफीन बैटरी में बहुत कम पॉल्यूशन होगा। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल सुपरनोवा प्रोडक्शन।